है तो वोट मांगने क्यों आते हैं यहाँ? खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, फिर भी कहते हैं भारत महान। चूल्हे में खाना बन रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। तो जैसा आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां इतनी ज्यादा है कि हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है इस चुनाव में पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से अपने इन्फ्लुएंस को पुश करने के लिए और कहीं ना कहीं चुनाव में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। द खबरदार न्यूज ये कोशिश कर रहा है कि पिछले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के अंदर जो भी विकास कार्य हुए, यदि कहीं कोई किसी नेता ने अच्छे से काम नहीं किया तो हमने अपनी खुद की रिपोर्टिंग के आधार पर उनकी रिपोर्ट तैयार की गई है। और इसी सिलसिले में आज के इस लाइव सेशन में हम चर्चा करेंगे सागर की सुर्खी विधानसभा सीट का, जहां से गोविंद सिंह राजपूत जी चुनाव लड़ते आए हैं और विधायक रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत जी के बारे में बात की जाए तो गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया समर्थक हैं और जब सिंधिया ने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया तो गोविंद सिंह राजपूत भी उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी में आ गए। गोविंद सिंह राजपूत के अगर काम की बात की जाए, परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लगभग दो साल पहले द खबरदार न्यूज ने राहतगढ़ में काफी सघन पत्रकारिता की थी, हर गली हर मोहल्ले में जाकर लोगों की परेशानियों को देखा था और उससे लड़ने की कोशिश भी की थी। राहतगढ़ उस वक्त ऐसा था कि राहतगढ़ को राहतगढ़ नहीं बल्कि आफतगढ़ कहें तो ज्यादा उचित होगा। हालांकि हमारी रिपोर्टिंग और लगातार प्रयास जो हम करते रहे वो कहीं ना कहीं राहतगढ़ में थोड़ा सफल हुए हैं और बीते एकाध साल में राहतगढ़ में काफी प्रोग्रेस हुई है। तो सबसे पहले हम आपको राहतगढ़ की पुरानी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई बदलाव आया है या नहीं। राहतगढ़ से हमारे साथी जुड़े हैं सलमान कुरैशी। सलमान हमारे द खबरदार न्यूज के बहुत पुराने साथी रहे हैं और द खबरदार न्यूज के लिए राहतगढ़ से रिपोर्टिंग करते आए हैं। इसके साथ हमारे साथ हुए हैं अनुपम अनूप ने भी राहतगढ़ में काफी पत्रकारिता किया है और काफी अनुभव है वहां की समस्याओं के बारे में। अब मैं राहतगढ़ की एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहूंगा और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये अभी एक महिला है हमारे सामने, इनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है। बताइए क्या क्या समस्याएं हैं? क्या समस्या? कुटी नहीं आई है बोल रही हैं। राहतगढ़ में आवास को, घर को कुटी बोलते हैं और ये इनका आवास है, ये इनकी कुटी है। अभी ये गर्भवती थी, हाल ही में डिलीवरी हुई है और ये इनका मकान है। ये छोटा सा बच्चा है, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि धुआं ही धुआं है, चूल्हे में खाना बन रहा है। वोट जाने आ तो जोन के पैर भी नहीं छूने, उनके ही पैर छूते। उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला है। ये एक छोटे से बच्चे की माँ है, कैसे खाना बनाती हैं इस कंडीशन में? बना रहे काम कर रहे सर। मजाक है गरीबों के साथ जो सरकारें यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, और ये मजाक बहुत गंदा मजाक है। जिस दिन गरीबों ने ऐसा मजाक नेताओं के साथ कर दिया उस दिन उनकी नेतागिरी धरी की धरी रह जाएगी।
ये गरीब हैं, बड़ी आशा के साथ हमारे कैमरे के सामने आए हैं, समस्या सुनाने आए हैं। इनको लगता है कि हम कुछ इनकी मदद कर पाएंगे, और इनकी मदद हम तभी कर पाएंगे जब इस वीडियो को देखने वाले लोग इनकी आवाज बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी आवाज पहुंचाएंगे, उन सरकारी कर्मचारियों तक इनकी आवाज पहुंचाएंगे, गोविंद सिंह राजपूत तक इनकी आवाज पहुंचाएंगे, तब जाके इनको न्याय मिल पाएगा। इनको न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचना भी जरूरी है, ताकि इन गरीबों को, बेबस जो गरीब हैं, इनको न्याय मिले, इनको आवास योजना का लाभ मिले, इनको शौचालय योजना का लाभ मिले। महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, सब खुले में शौच के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। और हमारे देश की सरकारें कहती हैं कि भारत देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। क्या वाकई में भारत देश खुले से शौच में मुक्त हो चुका है? लोग अक्सर कहते हैं मेरा भारत महान, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, फिर भी कहते हैं भारत महान, सोने की चिड़िया है, कहते सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया है। बताओ, एक बार अगर कोई मंत्री की कुर्सी में बैठ गया, विधायक की कुर्सी में बैठ गया, कहते हैं भारत महान, तो उसको सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। क्यों कहते हैं ना, कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। तो हो सकता है कि आपके नेताओं को, जिनको आप लोगों ने चुन के मंत्री मिनिस्टर बना दिया है, उनको ये लगने लगा होगा कि हमारा विकास तो हो गया, अब सबका भगवान ने कर दिया होगा। हाथ जोड़ते हैं, जब तो सब किया वोट जाने तो जोन के पैर भी नहीं छूने, उनके ही पैर छूते। अच्छा, छूते हैं कि नहीं छूते हैं? आप एक से एक योजनाएं दे, हम आपको ऐसा करवाएंगे, हम आपको ये करवाएंगे, आपके बच्चों को भविष्य बनाएंगे, लेकिन हम लोगों का कोई भविष्य नहीं बनता। आप लोग घर देख लो, अपने अपने बच्चे देख लो, हम लोगों के बच्चे यहाँ से फिरते हैं, खुले में जाते हैं, कोई भी सुविधा नहीं है। कौन है आपके यहाँ के विधायक? आपके यहाँ गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह राजपूत। हाँ, मगर उन्हें अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी है। गोविंद सिंह राजपूत आते हैं, इधर लोग आते हैं, कहाँ तक आते हैं? यहाँ तक रविदास मंदिर बना है, रविदास मंदिर तक आते हैं, और उधर के लोगों को देखभाल करके अपने उधर के लोगों की सुविधाएं कर दी। तो क्या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो राहतगढ़ में नहीं आता? राहतगढ़ में आता है, राहतगढ़ में ही आता है। बताइए, कहते हैं ये वीरपुर मोजे का क्षेत्र है, चंद्रापुर में लग पंचायत में लगता है, बोल दे। मगर ये बताओ फिर, यहाँ अगर पंचायत में आता है तो वोट मांगने क्यों आते हैं? यहाँ क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? ये खंभा क्यों लगाया है लाइट के लिए? ये नल क्यों दिया है हम लोग के लिए? और अब पुटी की बारी आती है तो वीरपुर मोजे में, चंद्रापुर में आता है, बताइए ना फिर ये नल की लाइन क्यों डाली है? क्यों डाली है? ये खंभा क्यों लगाया है? कीचड़ है, नाली भी अभी सीसे भी नहीं हुई। अरे तुमने नल लाइन दी तो क्यों दी? अगर चंद्रापुर में आता है तो वोट मांगने क्यों आते हैं? हम लोगों के यहाँ तो थोड़ा राशन भी देते हैं, हमको राशन की पर्ची है, राशन देते हैं, तो हम तो आपके नगर पंचायत से जुड़े हैं। चलिए ठीक है, आपकी आवाज पहुँचाई जाएगी, वो तो है सर, अगर आप कर सकेंगे तो अच्छा है। हम तो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, तो अच्छा है सर, है ना? सबका भला हो जाए, और क्या बेचारे भोग रहे हैं, हम लोग भी भोग रहे हैं। कोशिश हमारी यही है, और हमारे दर्शकों से भी यही निवेदन है कि आप लोगों की आवाज बने, आपकी आवाज को बुलंद करें, और आप लोगों को न्याय दिलाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।